मोतिहारी के बरियारपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब कारोबारी के घर से 92 कार्टून अंग्रेजी शराब और अवैध इलेक्ट्रिक सामान जब्त की है। मामला मोतिहारी के छतैनी थाना क्षेत्र की है। ये छतौनी में कल 92 कार्टन शराब बरामद किया गया है मुकेश कुमार राय और शंभू कुमार राय के आवासीय परिसर से। ये शराब कैप्टन ब्लू ब्रांड का है जो कि चंडीगढ़ में निर्मित बॉटल पर लिखा हुआ है और हिमाचल प्रदेश में बिक्री के लिए लिखा हुआ है उसके बॉटल पर। ये साथ ही वहाँ से कुछ डिब्बे मिक्सर ग्राइंडर के भी बरामद हुए हैवेल्स के। 25 दिन पहले किसी तरीके के मामले में एक कंटेनर से लगभग 100 से ज़्यादा कार्टन। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है इस मामले में धनंजय? ये शराबबंदी का जो सिलसिला है उसमें शराब की जो तस्करी बड़े पैमाने पर पूर्वी चंपारण में फल फूल रही है उसी का एक कड़ी है जो मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 28 पर अवस्थित जो है बरियारपुर वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार कहे जाने वाले शंभू राय और उनके घर से बड़ी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया गया है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाजीपुर में पुलिस ने कई होटलों में छापेमारी की। इस दौरान आपत्तिजनक हालत में युवक युवती को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही एक अन्य युवती को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को कई दिनों से देह व्यापार की सूचना मिल रही थी जिसके आधार पर पुलिस ने एक टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी। तो आज हाजीपुर में होटल व्यवसाय में लगे होटलों का जांच किया गया है और अभी किया भी जा रहा है। स्टेशन रोड में स्थित होटलों का चेक किया गया है। एक होटल में एक पेयर पकड़ा है लड़का लड़की का, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। एक अन्य होटल में भी एक महिला मिली है, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है कि किस परिस्थिति में यहाँ थे। राजधानी पटना से सटे दिघा थाना क्षेत्र के बाटागंज के पास हुंडई सर्विस सेंटर में गार्ड का काम करने वाले सिपाही की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक सिपाही राम कल शाम को ड्यूटी करने आए थे। बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई जिसके बाद उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन सर्विस सेंटर पहुंचे और मुआवजे को लेकर हंगामा किया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। भारत फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपए की लूट मामले में मोतिहारी पुलिस ने हथियार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी की लूट के पीछे कंपनी से ही जुड़े एक व्यक्ति का नाम सामने आया है जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दरपा थाना क्षेत्र में भारत फाइनेंस कंपनी के लाखों रुपए की लूट की गई थी। टीम में भारत फाइनेंस कर्मी से दरपा थाना क्षेत्र में 125,000 रुपए की लूट हुई थी जिसमें कांड दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। उसी मामले में 3 अपराध कर्मियों विभास कुमार, शशि रंजन कुमार और राहुल कुमार राम जो क्रमशः छोड़ा दानो लखौरा और छोड़ा दानो थाना क्षेत्र के निवासी हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 2 अवैध हथियार, 4 गोली और कुछ मादक पदार्थ बरामद किया गया है। इन अपराध कर्मियों के द्वारा फिर स्वीकार किया गया कि इससे पूर्व भी ये नवंबर और दिसंबर में एक एक कांड किए थे। भारत फाइनेंस कर्मी से ही 110,000 और 1,00,000। मोतिहारी के चकिया में पेड़ लगाने और खेलों को लेकर जागरूकता फैलाने के संदेश को लेकर
द्वारका से निकले साइकिल सवार युवाओं का दल चकिया पहुंचा। आपको बता दें कि साइकिल यात्रा दल के सदस्यों ने एनएच स्थित बनझूला चौक पर मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी यात्रा और उद्देश्यों पर बात की। साइकिल यात्रा दल के सदस्यों ने बताया कि उनकी यात्रा द्वारका से शुरू हुई, जो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 3900 किलोमीटर का सफर तय कर 13 फरवरी को खत्म होगी। चले हैं इंडा भारती और टाइगर ग्रुप ऑफ एडवेंचर हमारा संगठन है, और द्वारका से 19 जनवरी को निकले थे और ईटानगर हम 13 फरवरी को पहुंचेंगे, करीबन 3900 किलोमीटर की। मोतिहारी के चकिया में कोटवा मुजफ्फरपुर टोलवे लिमिटेड की ओर से परसौनी खेम टोल प्लाजा पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी ब्रिजेश कुमार ने फीता काटकर किया। वहीं इस मौके पर कोटवा मुजफ्फरपुर टोलवे लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड संजय राय ने अनुमंडल पदाधिकारी ब्रिजेश कुमार और नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एबी सिंह को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं शिविर के दौरान मरीजों की मौके पर ही चश्मा और दवाइयां भी निःशुल्क दी गईं। आज कोटवा मुजफ्फरपुर टोलवे लिमिटेड द्वारा हमने परसौनी खेम टोल प्लाजा पे अभी फ्री आई कैम्प का आयोजन किया है। हमारा मुख्य लक्ष्य जो है सो बस और ट्रक के ड्राइवरों को फ्री ट्रीटमेंट दे करके उनके नेत्रों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके और करने का लक्ष्य है। और मेन इसका यह है कि कम इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग पे जितने वाहन चल रहे हैं उनके दुर्घटनाओं में कमी लाने का इसी के लिए। बिहार की राजधानी पटना में भी अब दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने और हर व्यक्ति तक प्राथमिक उपचार की सुविधा पहुंचाने के लिए पटना नगर निगम ने यह फैसला लिया है। ये क्लिनिक उस जगह खुलेगी जहां पर पीएचसी या इलाज की बेहतर सुविधा नहीं है। बता दें कि नगर निगम अपने 2021-22 के बजट में मोहल्ला क्लिनिक की योजना शामिल करने का निर्णय लिया है। 10 फरवरी को होने वाली सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। स्थायी समिति की बैठक में पास होने के बाद निगम बोर्ड की बैठक के जरिए इस पर मुहर लगाई जा सकती है। अब बात खेल और मनोरंजन की। आईपीएल की 18 फरवरी को होने वाली नीलामी को लेकर 1097 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी शामिल हैं। बीसीसीआई के मुताबिक कुल 814 भारतीय और 283 विदेशी खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए अपना नाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन तेंदुलकर ने 18 फरवरी को होने वाली नीलामी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने बेस प्राइस 20 लाख रुपए तय की है। आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल की चैंपियन मुंबई इंडियंस के नेट बॉलर भी रहे हैं। वहीं अर्जुन इस साल मुंबई की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।